नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जो 10 मिनट की वीडियो की श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत ये आपका 6वां वीडियो है और आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गाहे बगाहे एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों को हम हल्के में ले लेते हैं और जो हमारे प्रश्न होते हैं वो छूट जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रदेश में कौन सी झीलें हैं और इसके साथ ही साथ में यह भी देखेंगे कि जो झील होती हैं विभिन्न प्रकार की झीलें होती हैं, किस प्रकार की झीलों का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अगर झील की बात करते हैं तो झील क्या होता है, एक स्थिर जल होता है। जैसे मान के चलिए ठीक है, जैसे नदी है, नदी में क्या होता है, पानी का फ्लो हुआ करता है। ठीक है, जो झील होता है एक स्थिर जल होता है और यह जल चारों तरफ कोई भूखंड होता है उस भूखंड से घिरा होता है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने आस पास कहीं ना कहीं झीलों को देखा होगा। तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता इसकी स्थिरता होती है। अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं एक स्थिर जल होता है जो कि चारों तरफ से भूखंड से घिरा होता है, अब इस संदर्भ में यह बात निकल के आती है कि ये जो संरचना है वो संरचना विभिन्न तरीकों से बन सकती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो भी मतलब विभिन्न तरीकों से बन सकती है, इस बेस पर जो आपकी झीलें होती हैं, झीलों को कुछ कैटेगरी में हम लोगों ने विभाजित कर दिया है और एक एक करके हम देखेंगे। विवर्तनिक झील, जैसे आप उलर झील देखेंगे या जो आपकी हिमालय रेंज है उस रेंज में विभिन्न और भी झीलें हैं जिसको हम लोग विवर्तनिक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विवर्तनिक क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये पृथ्वी विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, तो प्लेटों में टकराव के फलस्वरूप एक गड्ढानुमा संरचना बन जाती है और जिसमें कालांतर में कभी जल भरता है, तो उसके फलस्वरूप जो संरचना निर्मित होती है इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस संरचना को हम लोग झील कहते हैं। तो विवर्तनिक झील का उदाहरण ये आपके उलर झील है। अब देखते हैं लैगून अथवा अनूप झील है। अब देखिए लैगून क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये आपका समुद्र है, जैसे माने चिल्का है, चिल्का क्या है, लैगून झील का उदाहरण है। तो अब ये समुद्र हो गया, ठीक है, अब समुद्र में यहाँ पर का पानी है, लेकिन होता क्या कि किसी भी प्रकार से विभिन्न कारक हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बालू हो गया या और भी विभिन्न कारक होगा जिसके फलस्वरूप तो समुद्र का पानी होता है ये कुछ इस तरीके से क्या होता है, समुद्र के पानी से जो ये पानी होता है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की जो झीलें बनती है इसको हम लोग लैगून अथवा अनूप झीलें कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें कौन सी, जैसे आपकी अष्टमुडी हो गए, चिल्का हो गए, पुलकित झील हो गए, पुलकित झील आपके कहा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है और वेम्बनाड झील जो है ये केरल पे झील है। ये सब जितने भी झीलें आप देखेंगे वो आपके कहने के जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर आपकी पाई जाती है। ठीक है, आशा इन्हें पूरा विश्वास होगा कि चीजें आपको समझ आ रही होगी। तो आपने देखा विवर्तनिक झील हो गया, दूसरा लैगून अथवा अनूप झील हो गया, तीसरा आप देखेंगे हिमालय निर्मित झील क्योंकि नैनीताल, राक्षस ताल और पुरपाताल ये सब आपकी हिमालय निर्मित झीलें। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए झीलों से संबंधित विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं, वर्ल्ड के संदर्भ में भी झीलों को हम लोग देखेंगे, जैसे आप देखा विश्व के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की झीलें हैं और विभिन्न देशों में पाई जाती हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भारत के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकटक झील, ठीक है, ये मीठे पानी की झील है और ये आपका उत्तरी पूर्वी राज्य जो असम है, ठीक है, असम में पाई जाती है। ठीक है, और ये उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसकी सबसे बड़ी झील है। देखिए इसकी खास विशेषता की बात करें तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामझाओ पार्क इसी झील में है। आपकी लोकपुर लोकटक कहां, सॉरी असम में लोकटक मणिपुर में है। अब बात करते हैं पुलकित झील। अब देखिए पुलकित झील को विशेष हो जाती है क्योंकि आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक,
सॉरी कर्नाटक एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है उसकी सीमा पर वेम्बनाड झील, ठीक है, ये भारत के संदर्भ में सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील, ठीक है। अब चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील की बात खारे पानी की है प्लस भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, चीजों को फिर से एक बार देखेंगे। लोकटक झील आपके मणिपुर में है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो आपका पार्क है पाया जाता है। आगे हमने पुलिकट, पुलिकट में, ठीक है, ये आपकी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। वेम्बनाड सबसे लंबी झील है जो कि कहां पर है आपके केरल में है, ठीक है। और चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है और प्लस भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। मीठे पानी की आप जानते होंगे उलर झील है, उलर झील से कौन सी नदी प्रवाहित होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जब आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो वहां पर इन चीजों को मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके कि किस प्रदेश में कौन कौन सी जो आपकी झीलें हैं वो पाई जाती हैं। जैसे आप देखें उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, फूलपाताल, ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर ताल लग जाए तो उसमें अधिकांश जो आपकी झीलें हैं वो उत्तराखंड राज्य में आपकी पाई जाती है। अगर आगे बात करें गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, हरियाणा में सूरज कुंड, पंजाब में कांजल, हरिके से आपकी कौन सा इंदिरा कैनाल, ठीक है, रोपण नाम से आप जानेंगे। राजस्थान में आपके पिछोला, सांभर, राजसम्मत, जयसम्मत और पुष्कर। जम्मू कश्मीर में डल, उलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग। लद्दाख में मैगान सो और सोमिरिरी। मेघालय में उमियम, देखिए ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में अभी आपने नहीं सुना होगा। मणिपुर में लोकटक, केरल में वेम्बनाड और कर्नाटक में वेल्लादूर और पंपा सरोवर, ठीक है। यदि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा तो इसके लिए आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद कहते हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और साथ ही साथ में इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लग्न विद फोकस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चीजों को वहां से आप देख सकते हैं, चीजों को आप चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को विधिवत तरीके से आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।